हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दोस्तों हमारे वीडियो का टॉपिक है डार्क कलर्ड येलो यूरिन। अगर आपको गाढ़ा पीला यूरिन आ रहा है, पेशाब आ रहा है, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, यहाँ पर मैं आज आपको बताऊँगा क्या बड़े कारण हैं और उसमें आप कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी बॉडी के काफ़ी सारे ऑर्गन इस तरह के हैं जो हमें इंडिकेशन करते हैं कि हाँ जी आपको ये बीमारी हो रही है, या फिर हमारी बॉडी के कुछ एक्सक्रीशन ऐसे हैं जो हमें जो बाहर निकलते हैं, जैसे कि स्टूल हो सकता है, यूरिन हो सकता है, बलगम हो सकता है, या फिर थूक हो सकता है, जो हमें इंडिकेशन देते हैं कि आपके अंदर ये बीमारी हो सकती है। तो उन्हीं में से दोस्तों एक यूरिन होता है। जब भी उसका कलर चेंज होता है, बदलता है, तो उसके आइडिया से हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। तो अगर आपको डार्क कलर्ड येलो यूरिन आ रहा है, तो नॉर्मली देखा जाए तो हल्का येलोइश होता है बाइल की वजह से, लेकिन अगर वह बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है तो उसके पीछे कारण उनमें से दोस्तों सबसे पहला कारण आता है, जो कि 80-90% केस में देखा जाता है, जो कारण है दोस्तों डिहाइड्रेशन का। अगर आपके अंदर पानी की कमी हो गई है, अगर आप पानी कम पी रहे हैं, गर्मियों के मौसम में अगर आप लगभग 6 लीटर या 7 लीटर पानी नहीं पी रहे हैं, तो कुछ पेशेंट में ऐसी कंडीशन हो जाती है, कुछ लोगों में ऐसी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उनको जो यूरिन का कलर है वह काफ़ी डार्क येलो, बहुत गाढ़ा पिलाना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला कारण इसमें दोस्तों डिहाइड्रेशन का होता है, मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है। वहीं पे अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं और सप्लीमेंट के अंदर अगर विटामिन B12 है, तो इसकी वजह से भी आपको गाढ़ा यूरिन हो सकता है। विटामिन B12 आप कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। आप 1-2 दिन लेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन आप जब उसको रेगुलर बेस पे यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे आपको गाढ़ा पेशाब आने लगा है। और इसी के साथ साथ जो एलोपैथिक मेडिकेशन होती हैं, कुछ मेडिसिन इस तरह की हैं जो हाईली एंटीबायोटिक्स हैं, या फिर नॉर्मली अगर आप पैरासिटामोल भी यूज़ करते हैं कुछ दिन के लिए लगातार में, तो आप देखेंगे आपको गाढ़ा पीला यूरिन आने लगा है। तो ये दोस्तों एक मेडिसिन की वजह से होता है, पहला पॉइंट दोस्तों शरीर के अंदर पानी की कमी की वजह से हो रहा था। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें लीवर की डिजीज़। अगर आपके अंदर कोई भी लीवर की डिजीज़ है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसमें मैं आपको 3-4 नाम बताता हूँ जो कॉमनेस्ट मेजर कॉजेज हैं लीवर की डिजीज़ के, जैसे कि आपको हेपेटाइटिस अगर है, अगर आपको सिरोसिस है, जॉइंडिस है, या फिर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो उसमें भी देखा जाता है कि आपको यूरिन पीला सकता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको अपनी ब्लड की जांच जरूर करानी चाहिए, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी आंखें भी पीली हो रही हैं, यूरिन का कलर भी आपको ज़्यादा हो रहा है, और पेट में भी परेशानी हो रही है, लीवर वाले रीजन में आपको दर्द रह रहा है, तो आपको तुरंत से अपनी LFT करानी चाहिए, अपने आपको बिलीरुबिन चेक कराना चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर कहीं ना कहीं आपका बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है जो पेशाब में आने लगा है, जिसकी वजह से वह बिल्कुल पीला आने लगा है। वहीं पर दोस्तों अगली कंडीशन की हम बात करते हैं, जो कि है रीनल डिजीज़, मतलब आपको कोई गुर्दे की बीमारी या फिर किडनी की बीमारी। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि रीनल स्टोन के केस में भी कई बार ऐसा होता है। अगर आपको UTI हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके केस में भी आपको ऐसा होता है। अगर आपको यूरिनरी ब्लैडर स्टोन हो गई है, तब भी इस तरह की परेशानी हो सकती है, या फिर आपको ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गई है, मतलब जो गुर्दे हैं उनके अंदर की जो सेल्स हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, उनकी इन्फ्लामेशन हो गई, उनमें सूजन आ गई, तब भी आपको इस तरह की परेशानी हो सकती है। वहीं पे लगातार में अगर आपको हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, तब भी आपको डार्क येलो यूरिन आ सकता है। तो दोस्तों ये थे इसके मेजर जो बड़े कारण हैं जो मैंने आपको इसमें बताए हैं, ये बड़े कारण थे, बाकी और छोटे छोटे कारण भी होते हैं, लेकिन ये मेजर कारण है। तो आपने क्या ठीक करना है, अगर आप अपने आप को ठीक करना है, आपने देखना कि इनमें से सबसे पहला कारण आपके अंदर क्या हो सकता है। अगर आप डिहाइड्रेशन आप अपना मानते हैं कि आप पानी कम पी रहे हैं, तो आप 2-3-4 दिन पानी ज़्यादा पीजिए, आप देखेंगे आपका जो यूरिन है नॉर्मल कलर में आने लगा है। अगर आपके अंदर और भी साइन मिल रहे हैं, आप अपनी LFT की जाँच कराएँ, और आपके अंदर लीवर की प्रॉब्लम ऑलरेडी है और आपको यूरिन डार्क येल्लो आ रहा है, तो दोस्तों आप होम्योपैथिक की एक मदर टिंचर लें जिसका नाम है चेलिडोनियम, इसका नाम मैं नीचे लिख दूंगा। तो चेलिडोनियम क्यू आप यूज़ करें, 15 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप पानी में खाना खाने के बाद इस मेडिसिन को यूज़ करें, आप देखेंगे आपका यूरिन जो है बिल्कुल नॉर्मल होने लगा है। वहीं पर अगर आपको गुर्दे से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है और डार्क येल्लो यूरिन आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप दोस्तों होम्योपैथिक की वर्वेरिस वल्गैरिस क्यू मदर टिंचर यूज़ करें। अगर आपको UTI है और अगर आपको स्टोन है, तो ये मेडिसिन सब में काम करेगी। तो दोस्तों इस मेडिसिन की आपने 15-15 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में आप इस मेडिसिन को डाल के लें। कितने दिन लेनी, ये डिपेंड करता है आपकी परेशानी ठीक हुई या फिर नहीं हुई है।
अगर मेडिसिन से आराम नहीं लगता है, 4-5 दिन मेडिसिन ले आराम नहीं लगता है, तो अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से जाके आप जरूर मिलें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो यूज़फुल होगा। वीडियो आज के लिए बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों जो दोस्त मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। मिलता हूँ कल किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।